बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस की, और पिछली जो चार वीडियोस थी उसमें हमने पहली जो चार प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 है, फाइंड द पावर डिलीवर टू द एलिमेंट इन एग्जांपल 1.5। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने पावर फाइंड करनी है, कितनी पावर डिलीवर्ड हुई है, जिसमें करंट जो है वो आई इक्वल टू 5 कॉस ऑफ 60 पाई टी है, और वोल्टेज हमारे पास जो है वो एक दफ़ा वो इसमें 2 एम्पेयर था, 2 I था, और एक दफ़ा हमारे पास ये बी वोल्टेज है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो डेटा मेरे पास गिवन है मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, करंट मेरे पास जो है वो इक्वल है 5 कॉस ऑफ 60 पाई टी एम्पेयर। ठीक है, और वोल्टेज मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू के लिए मेरे पास जो वी है वो इक्वल है 2 I के, और दूसरे पार्ट के लिए मेरे पास जो वोल्टेज है वो इक्वल है 10 प्लस 5 फ्रॉम 0 टू टी एंड इट इज़ IdT। ठीक है, और ये मेरे पास टोटल वोल्टेजेस हैं, और मैंने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है P इक्वल टू VI। ठीक है, सो फॉर पार्ट ए मैं इसकी इंक इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो मेरे पास पावर जो है वो इक्वल है VI के, एंड एस गिवन V इज इक्वल टू 2 I, सो 2 × I × I, दिस इज 2 × I का स्क्वायर। ओके, सो मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। 2 × I की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50, 5 कॉस ऑफ 60 पाई टी का होल स्क्वायर। सो ये 2 वैसा का वैसा 5 का स्क्वायर 25, और कॉस का जो स्क्वायर आएगा उसको मैं वैसा का वैसा ही लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। सो ये मुझे देते हैं 50, और ये कॉस ऑफ 60 पाई टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपके पास इसको आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं या इसको ओपन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। सो ये 50 × अब इसकी जो वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करूँगा कि देखें टाइम मेरे पास गिवन है 5 मिली सेकेंड का, तो ये हो जाएगा 50 cos of 60 × π × टाइम की वैल्यू कितनी है 5 मिली सेकेंड, और इसका मैं कर लूँगा स्क्वेयर। सो इसके लिए मैं अब साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ चलता हूँ, और यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को लिखता हूँ। सो 50 × cos of 60 अच्छा, अगर आपके पास ये डिग्री में है तो आप पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। सो शिफ्ट मॉड में जाएं, यहाँ पे रेडियन के लिए 4 प्रेस कर दें। सो अभी रेडियन में आ गया। सो 50 × cos of 60 शिफ्ट पाए 60 पाए × टाइम की वैल्यू कितनी है 5 मिली सेकेंड, सो 5 × exp−3, और इसका मैंने ले लेना है स्क्वायर। सो ये आपके पास पावर की वैल्यू कितनी आ गई 17.27 वाट्स। 17.27 वाट्स। सो ये आपके पास पावर है फॉर केस नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आपको ये गिवन भी थी। अब हम पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट बी के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो इक्वल है 10 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी IdT। अब 10 प्लस 5
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। अब आई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन थी, कितनी, 5 कॉस ऑफ 60 पाई टी डीटी। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। अब अगर मैंने फाइंड करना है पावर को फाइंड करना है, तो मैंने पावर के लिए वी इंटू आई करना है। सो मैं इस वी को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अगर मैं आई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी की यही वैल्यू सारी, ठीक है, 10 प्लस 5 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। अच्छा, इसको मैं और विदाउट मल्टीप्लाइंग, ठीक है, पहले मैं इस वी को फाइंड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास पावर फाइंड करना आसान हो जाए। सो इसको भी मैं कैलकुलेटर में ही सॉल्व करूँगा। सबसे पहले आप जाएं 10 प्लस 5 एंड देन इंटीग्रेशन फ्रॉम, अच्छा इंटीग्रेशन में अब आप लिखेंगे 5 कॉस ऑफ 60 पाई एंड टी की वैल्यू कितनी है, 5 मिली सेकेंड, तो 5 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 3। अच्छा, ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, और मुझे ये कहाँ से कहाँ तक देना है, 0 से लेके 5 मिली सेकेंड तक, 5 मिली सेकेंड। सो वोल्टेज कितना आ गया, V इक्वल टू 10.05 वोल्ट। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है करंट के साथ, ठीक है, सो पावर मेरी आ जाएगी 10.05, दिस इज एक्चुअली V, एंड करंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है कितनी है, 5 कॉस ऑफ 60 पाई एंड T की वैल्यू कितनी है, 5 मिली सेकेंड, तो ये मुझे पावर दे देगा, ठीक है। सो अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये मेरा आंसर जो था, ये मेरी वोल्टेज थी, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 5 कॉस ऑफ 60 पाई इंटू टाइम कितना है, 5 मिली सेकेंड। सो पी इज इक्वल टू 29.6। सो पावर आपकी कितनी आ गई, 29.6 वाट्स। सो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि आंसर हमारा कितना है, 29.7 वाट, एंड दैट इज एक्सेप्टेड। ओके, सो आज की वीडियो में हमने क्या किया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 को सॉल्व किया, और पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने पहले जो 4 प्रॉब्लम्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया था। सो अगर आपको ये लेक्चर्स आसान लग रहे हैं और मज़ीद आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आगे कंटिन्यू होती रहे, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में जो है अपनी जो फीडबैक है वो देते रहा करें, ताकि अप्रिसिएशन जब मिलती है तो मोटिवेशन होती है काम के लिए। सो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।